चल पड़े, आप आ जाए प्लीज, बात कर लो प्लीज, आ जाए जल्दी। नहीं मैं नहीं आती, ये कोई तरीका नहीं, आ जाए लेकिन मैं कोई पीछे रह जाए, यू कांट पुश मी, ठीक है, ख्याल रखिए। सिली वुमन जी, आपने तो अपने लोगों को डांट दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? आसिफा। फाइनली मुझसे कोई बात करने को राजी हो गई, बताएं कहाँ आई हुई आसिफा साहिबा? मैं आई हुई हूँ लाहौर औरत मार्च, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके हवाले से औरत मार्च रखा हुआ है, तो मैं उधर आई हुई। ये आज लोग मीडिया से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? वेल लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर कपल ऑफ ईयर्स जो है उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया से कुछ और कहते हैं और मीडिया आगे से कुछ और बता देता है, वो नेगेटिव वे में सारे चीज़ें जाती हैं, इसलिए बता के भेजा गया कि मीडिया से बात नहीं कर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने देखा ना कोई भी नहीं बात कर रहा। अभी मुझे बताएं कि मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैंने देखा कि इस बार जो स्लोगन से जो मुतालबा थे, जो मैनिफेस्टो था, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो रवायती औरत मार्च के मतलब सोचा जाता है। इस बार कदरे बेहतर बहुत अच्छे मुतालबा थे जो खवातीन हैं, सलाब जदगान और इस तरह के। क्या लगता है कि कहाँ आप लोग अपना वो मैसेज कैसे, क्या वजह बनी कि डिलीवर नहीं कर पाए, क्यों लोग आपको मतलब कि तनकीद ही करते हैं? आई थिंक कि ऐसे जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि सारे ये कहते हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड हैं तो उससे आप फॉलो कर रहे हैं, जब औरत अपना हकूक मानती है तो उसे वेस्टर्न कल्चर दिया जाता है, जबकि देखा जाए तो हमारे इस्लामिक लॉ में औरत के इतने हकूक हैं कि अगर मर्द और हमारी रियासत समझे तो हमें औरत मार्च करने की ज़रूरत भी नहीं। औरत के हकूक के लिए तो मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। लोगों को तरीक़ेकार से प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि मतलब कि जिस तरह से इस साल तो नहीं है लेकिन लास्ट ईयर जब वो कपड़े खून लूदा और LGBTQ या रेनबो फ्लैग, वो हमारा जो कल्चर है वो ऑन नहीं करता, आपको लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था ताकि आप लोगों की स्ट्रेंथ में इजाफा होता रहता? भाई आई थिंक देखें, हर इट्स अ लिबरल कंट्री राइट, हर एक को अपना हकूक है, इस्लामिक कंट्री, वही मैं उस तरफ ही आने लगी हूँ, इससे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हमें बहुत सोच समझ के ये करना चाहिए, देखना चाहिए। अब जो लोग निकलते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि आप अपनी रियासत को और अपने इस्लामिक कल्चर को देखें वो आगे फिर चलें। आप फैमिली के साथ आई? नहीं मैं खुद आई हूँ, अकेले आई। आपको नहीं लगता फैमिली को भी साथ लाना चाहिए था? लास्ट ईयर फैमिली आई थी, इस दफ़ा वो आउट ऑफ सिटी गए, मुझे बताएं कि औरत को, मुझे तो बहुत से चीज़ें पता है जहाँ पर औरत को बराबरी के हकूक नहीं मिल रहे, आपको क्या लगता है कि औरत कहाँ कहाँ पिस रही? आई थिंक कि मेरी जो मैं जहाँ स्ट्रेस करती हूँ जिस चीज़ पे, वो इसलिए करती हूँ कि जो स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर्स हैं हमारी, जो लेबर वर्कर्स हैं, वो जो दिहाड़ी अपनी लगाती हैं, वो भी उनके हस्बैंड ले लेते हैं, उनको वो भी हकूक, छोटे लेवल पे हमें हकूक तो बिल्कुल नहीं मिल रहे। वो खवातीन खुद क्यों नहीं आई? वो भी आई हैं, आएंगी, वो भी लास्ट ईयर भी आई थी, कम आई है इस दफ़ा, सभी कम आए हैं, खवातीन भी कम है, लेकिन वो जो एक जी आप बता दें, एक वो जो मतलब कि लेबर तबका है, जो लेबर तबका है वो तो बिल्कुल भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि काफ़ी एलीट क्लास है। आप मुझे बताएं कि जिन लोगों की आप जंग लड़ रहे हैं वो खुद क्यों नहीं आ रहे? नहीं ये मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, या जो गरीब तबका वो क्यों नहीं आ रहा? लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, मगर ये तबका नहीं है जो बिल्कुल अवामी तबका है, वो नहीं है। क्यों? क्या वजह? वजह यही है कि ये उनको कोई, उनके अपने तंजीमें हैं, वो नहीं पार्टिसिपेट करती, अकेली वो नहीं आ सकती, औरतें नहीं आ सकती, क्योंकि और आप ट्रांसजेंडर की बात करें, यही जगह है जहाँ पे वो प्रोटेक्शन फील करती हैं औरतें, और ये मर्द औरतें जो भी हैं, और इनको मिलना चाहिए, इनका हक बनता है, हमारी गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती, स्टेट रिकग्नाइज करती, इनको क्यों हम अलहदा करें? हम बिल्कुल अलहदा नहीं करना चाहते इनको। खवातीन के हकूक़ के लिए हर शख्स आवाज़ तो उठाता है, लेकिन जब 8 मार्च को यहाँ पे आप लोग आते हैं, यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, क्या लगता है वजह क्या? जमात इस्लामी का हाल देख लें, जो जिस तरह गुंडागर्दी करते हैं, वो तो होली पे उन्होंने हालत बना दी यहाँ पे औरतों की, तो वो ट्रकों में आ रहे थे पहले, ट्रकों में भर भर के आ रहे। आप लोगों को इजाज़त भी नहीं मिल रही थी किस चीज़ की यहाँ पे पहले मार्च की? इजाज़त भी इस बार काफ़ी आपको कोर्ट यहाँ पे आप इधर ट्रकों के पे भर के टेंट्स लगे हुए थे, उसके पीछे से छलांग के अंदर आ रहे थे। ये तो इस कदर बदमाश लोग हैं जो बने हुए हैं, ये जो मज़हब के जो बने पड़े हैं, अपनी तरफ से मज़हब को बना के बैठे हुए अपना, वो हमारा सबका है, उनका नहीं है, हमारा है, ये कोई बात नहीं है। आप बड़ी मुझे पढ़ी लिखी लगी, बड़ी इंटेलेक्चुअल लगी, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने आके एक्सप्रेस भी किया जो आप सोचती हैं। मुझे लास्ट सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों के मतलब ये एक अवामी राय है
कि आप लोग LGBTQ या इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? वी डू सपोर्ट, हम सपोर्ट करेंगे, क्यों ना करें। वो रिलीजियस सबका इसीलिए नहीं, नहीं रिलीजियस सबका जो भी समझे हम सपोर्ट करेंगे। अबॉर्शन एक कत्ल नहीं है, यही तो है ना सिर्फ, और कौन है उनको सपोर्ट करने के लिए? अबॉर्शन एक कत्ल नहीं है जी। अबॉर्शन के बारे में क्या बात कर रहे हैं आप? अबॉर्शन क्या मतलब? मैं सिर्फ आपसे सवाल ये कर रहा हूँ ताकि लोग नहीं हर औरत को अपने जिस्म चल पड़े, आप आ जाए प्लीज, बात कर लो प्लीज, आ जाए जल्दी। नहीं मैं नहीं आती, ये कोई तरीका नहीं, यू कांट पुश मी। सिली वुमन जी, आपने तो अपने लोगों को डांट दिया। नहीं तो मतलब दी कांट पुश मी। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मेरी रिस्पेक्ट रख ली, नहीं तो अगर आप इंटरव्यू छोड़ के चले जाते तो मुझे थोड़ा सा वो लगता कि मतलब बीच बात में बीच के सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कम से कम जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ पा रही, मतलब कि मैंने जितने भी मैंने भी हाल ही में एक दो रिलीजियस पर्सनैलिटी से इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि इस्लाम में प्रोस्टिट्यूशन, LGBTQ, हम जिंसपरस्ती, होमोसेक्सुअलिटी, हम इसलिए इनके साथ। ह्यूमन राइट्स भी तो है ना, इस्लाम में भी ह्यूमन राइट्स है। आज का वक्त है, ये एक कौन सी सदी है बताएं, ये भी किसमें सदी? तो फिर मतलब वी आर इन लिविंग नाउ टुडे, हाउ कैन वी नॉट रिकॉग्नाइज देम? यू टेल मी दैट इट्स ह्यूमैनिटी, दे आर ह्यूमन जस्ट एज वी आर। मतलब कि अगर आपको लगता है कि ये जो हम जिंसपरस्ती और ये चीज़ें हैं ये ह्यूमैनिटी में आती हैं, इसको ये मजहब के उस एंगल से नहीं सोच रहे? मजहब की एंगल से क्या सोचना है बताएं, क्या हमें बताया गया ना, हमें गाइडलाइंस दी गई। देखिए मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, ठीक है आपको उसमें ज्यादती है। मुझे सिर्फ लास्ट में ये बता दें कि औरत, आप क्या समझते हैं कि औरत पे कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ कहाँ पिस रही है, किन तबकों पे हमें काम करने की जरूरत है? हर जगह घरों में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, औरत जो है मर्द के नीचे है, मर्द अपनी इजारतदारी उस पर रखना चाहता है। आप अपने बारे में बताएं, आपको कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल फील करनी पड़ी बींग अ वुमन? I have a man, I'm married into a family, they are very liberal, they let me be. मैंने काम भी किया है, अपनी मर्जी से करती हूँ जो मैं करती हूँ, मगर जो मुझे घर में मिला था वो वैल्यूज़ होती हैं कि आपको सीधा रास्ता खुद देखना है, कोई नहीं आपको बता सकता। एक एक वक्त के बाद औरत जो होती है घर में पलती है, उसको बताया जाता है। मेरे बाप की बहुत सपोर्ट थी, मैं पहली लड़की थी अपने घर में जिसने काम किया। देखिए आपको फिर आपके वालिद ने भी सपोर्ट किया, ये कहते हैं कि मेरे भाई भी। अच्छा। हाँ मेरे भाई, मेरे वालिद, बाकी लड़कियों ने हमारे ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में देख के काम किया है। देखिए अच्छे मर्द भी हैं, जाहिर है बिल्कुल है, सब गलत नहीं है। नहीं नहीं मैं ये कभी नहीं, बहुत अच्छी बात की। आपका नाम क्या है? मेरे ख्याल में आपसे पूछना वो रहने दें, चलें जो भी नाम था। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि इन्होंने बताया, मैंने पूछा कि आपको क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी। खुद भी तो लिबरल मर्द हैं, आपको आप प्रोग्रेसिव हैं, तो फिर मतलब है कि जाहिर आप ही से बात हो सकती है। इन्होंने बिल्कुल ठीक ही है कि मार्द जो है मर्दों के खिलाफ नहीं है। इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, बड़ी लिबरल थी। औरत अपने लिए बात कर रही है, मर्दों के खिलाफ नहीं बात कर रही, अपने हकूक के लिए बात कर रही। इसका ये नहीं मतलब है कि हम मर्दों को किसी तरह बुरे समझ रहे हैं, बुरा समझ। आप बड़ी रियलिस्टिक हैं, आपने मुझे शुरू में बताया कि इस बार उतनी खवातीन नहीं है और एक वो ख़ास तबका जो है वो तो बिल्कुल नहीं है, क्या वजह है? हम इनको कैसे ला सकते हैं, इन्हें कैसे बता सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है और आपने अपने हकूक ऐसे लेने? यहाँ पे जो हुकूमत है वो खुद इतनी बैकवर्ड है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बैकवर्ड है, इन्होंने मुश्किल से तो इजाज़त दी है, ये तो बैन करके बैठे हुए थे। कल इन्होंने औरतों ने कल रात, हाँ नासिर बाग था, सड़कें खोलें, औरतों को जाने दें, आज़ाद करें। लगता सड़कें खुली हो तो ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होती, जो भी है हम झेलने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, औरत हमारे मौजूद हैं और एक खातून बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी वादिया गुफ्तगू कर रही थी।